हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर कोमल सिंह चौहान और आज की वीडियो में हम समझने जा रहे हैं रिक्रूटमेंट, जिसे हिंदी में कहते हैं भर्ती, एंड इट्स मीनिंग, फीचर्स एंड प्रोसेस। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। रिक्रूटमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर एम्प्लॉयज एंड इंकरेजिंग देम टू अप्लाई फॉर द जॉब्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। रिक्रूटमेंट या भर्ती एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जॉब के लिए एक सूटेबल कैंडिडेट को ढूंढा जाता है और उन्हें इंकरेज किया जाता है कि वो जॉब के लिए अप्लाई करें। इट रेफर्स टू द प्रोसेस थ्रू विच पोटेंशियल एम्प्लॉयज अप्लाई फॉर अ जॉब। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कर्मचारी या कैंडिडेट एक जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। अकॉर्डिंग टू एडविन बी फ्लिपो, It is a process of searching for the prospective employees and stimulating them and encouraging them to apply for jobs in an organization. Edwin Flippo का भी यही मानना है कि भर्ती एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा prospective employees को, यानी कि ऐसे candidates जो future में चलकर employees बनेंगे, उनको ढूंढा जाता है और उनको encourage किया जाता है कि वो organization में job के लिए apply करें। It is regarded as the most important function of personnel administration because unless the right type of people apply for a job and are hired, even the best plans, organization charts and control system will be of no use. Recruitment को personnel administration का सबसे important function माना जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब तक सही तरीके का candidate एक जॉब के लिए अप्लाई नहीं करेगा, एक सूटेबल कैंडिडेट जॉब के लिए अप्लाई नहीं करेगा, तब तक ऑर्गेनाइजेशन का कितना भी अच्छा प्लान हो, उस ऑर्गेनाइजेशन का कितना भी अच्छा कंट्रोल सिस्टम हो, वो किसी फायदे का नहीं होगा। क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन बनती तो एम्प्लॉय से ही है और अगर वो केपेबल नहीं होंगे तो ये सारे प्लान किसी भी यूज के नहीं होंगे। टॉकिंग अबाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिक्रूटमेंट, The main purpose of recruitment is searching of suitable candidates for filling the vacancies of the organization and to attract more people for the vacant jobs. Recruitment ka main uddeshya ye hota hai ki organization mein jo vacant seats hain, jo khali seats hain, unke liye suitable candidate ko search kiya jaye aur unhe encourage kiya jaye कि वो उन जॉब के लिए अप्लाई करे, वो उन वेकेंसीज के लिए अप्लाई करे। अगर हम रिक्रूटमेंट की हिस्ट्री की बात करें तो द रिक्रूटमेंट पॉलिसी वाज फर्स्ट फॉलोड बाय इंपीरियल चाइना इन एंशिएंट टाइम्स। रिक्रूटमेंट पॉलिसी को सबसे पहले कहाँ फॉलो किया गया था? इंपीरियल चाइना में। तो एंशिएंट टाइम्स में, इंपीरियल चाइना में, जब वहां पर राजा महाराजा रूल किया करते थे, ऐसे जमाने में वहां पर रिक्रूटमेंट पॉलिसी सबसे पहले फॉलो की गई थी। और मॉडर्न टाइम्स की अगर हम बात करें तो मॉडर्न टाइम्स में प्रशिया जो है वो पहला कंट्री था जिसने रिक्रूटमेंट प्रोसेस को फॉलो किया। अब हम समझ लेते हैं रिक्रूटमेंट के कुछ फीचर्स को। द फर्स्ट फीचर ऑफ रिक्रूटमेंट इज दैट इट इज कंसर्न विद सर्चिंग एंड इंकरेजिंग। It is mainly concerned with searching and encouraging the potential candidates towards the organization. So, recruitment का main concern क्या है? ये अभी हमने discuss किया है कि suitable candidates को encourage करना कि वो organization में vacant seats पर apply कर सके। Second feature is that recruitment is not a selection. Recruitment selection नहीं है। Recruitment involves searching the potential candidates and attracting them towards the organization to apply for the job. But selection involves choosing suitable candidate among those who have applied for a job. कई लोग confused हो जाते हैं recruitment और selection में और सोचते हैं ये एक ही है, ये एक नहीं है, ये एक दूसरे से different है। Recruitment का मतलब क्या होता है कि potential candidates को search करना और इन्हें encourage करना कि वो एक job के लिए apply कर सकें, whereas selection का मतलब है कि जिन कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है उनमें से सबसे ज्यादा सूटेबल कैंडिडेट को चूज करना। तो रिक्रूटमेंट सिलेक्शन नहीं है। द नेक्स्ट फीचर इज दैट इट इज अ प्रोसेस। रिक्रूटमेंट एक प्रोसेस है, ये एक प्रक्रिया है जिसमें काफी सारे स्टेप्स आते हैं।
and it is a linking activity which brings together those who search for a candidate and those who search for a job. ये एक linking activity है. ये link करती है ऐसे लोगों को जो candidates को ढूंढ रहे हैं और ऐसे लोगों को, ऐसे candidates को जो job के लिए search कर रहे हैं. तो ये इन दोनों activities को एक दूसरे से link करती है या एक तरीके से employer को employee से link करती है. It is a universal process. ये एक universal process है and this function needs to be performed by all organizations which need human resources. ये एक ऐसा function है जो कि दुनिया में सारी organizations द्वारा perform किया जाता है जहां भी human resources की requirement है. अब आता है process of recruitment जो कि एक बहुत ही important topic है. जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि रिक्रूटमेंट एक प्रक्रिया है जिसमें काफी सारे स्टेप्स होते हैं, तो अब हम उन्हीं स्टेप्स को डिस्कस करेंगे. सो द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिक्रूटमेंट इज डिटरमाइनिंग द हायरिंग नीड्स. द रिक्रूटिंग अथॉरिटी आस्क्स सेवरल डिपार्टमेंट्स एंड एजेंसीज अबाउट देयर नीड्स एंड हाउ मच सीट्स आर वेकेंट. तो रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया का सबसे पहला स्टेप है हायरिंग नीड्स को डिटरमाइन करना. इस स्टेप में क्या होता है कि जो रिक्रूटिंग अथॉरिटी है वो अलग अलग डिपार्टमेंट से और एजेंसी से पूछती है कि उनकी जरूरतें क्या है, किस डिपार्टमेंट में कितनी सीट्स खाली हैं या कितनी सीट्स वेकेंट हैं, सो दैट उन्हीं सीट्स को फिलअप किया जा सके. द सेकेंड स्टेप इज डिटरमाइनिंग द क्वालिफिकेशंस एंड द कंडीशंस विच आर रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट. तो दूसरे स्टेप में जो जॉब के लिए या पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड हैं, कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं, उनको निर्धारित किया जाता है. क्वालिफिकेशंस कैन बी जनरल लाइक सिटीजनशिप, डोमिसाइल एंड जेंडर, और स्पेसिफिक लाइक एज, एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस. क्वालिफिकेशन में जनरल क्वालिफिकेशंस आती हैं कि सिटीजनशिप क्या है कैंडिडेट की, डोमिसाइल क्या है, जेंडर क्या है, और स्पेसिफिक क्वालिफिकेशंस में आती है उनकी एज क्या है, एजुकेशन क्या है या उनका एक्सपीरियंस क्या है. सो ये सब फैक्टर्स सेकेंड स्टेप में डिटरमाइन किए जाते हैं. थर्ड स्टेप इन्वॉल्व्स डिजाइनिंग द एप्लीकेशन फॉर्म. तीसरे स्टेप में एप्लीकेशन फॉर्म को डिजाइन किया जाता है, एप्लीकेशन फॉर्म बनाया जाता है विच इज डिजाइंड इन अ वे दैट ऑल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द कैंडिडेट्स कैन बी ऑब्टेन्ड. एप्लीकेशन फॉर्म को इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि उससे हमें सारी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन मिल सके कैंडिडेट के रिगार्डिंग, जो जो इन्फॉर्मेशन हमें कैंडिडेट के रिगार्डिंग चाहिए वो हमें मिल सके. स्टेप नंबर 4 इज एडवर्टीजमेंट. एडवर्टीजमेंट मे बी पब्लिश्ड और टेलीकास्टेड सो दैट मोर एंड मोर कैंडिडेट्स कैन अप्लाई. चौथे स्टेप में आता है एडवर्टाइज करना पोस्ट को. पोस्ट को पब्लिश भी किया जा सकता है जैसे कि न्यूज़पेपर्स में, या टेलीकास्ट भी किया जा सकता है, टीवी पर दिखाया जा सकता है ताकि ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट्स उस पोस्ट के लिए अप्लाई करें. सो दैट्स व्हाई एडवर्टाइजमेंट इज रियली नेसेसरी. अगर एडवर्टाइज ही नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा कि कोई पोस्ट निकली है. स्टेप नंबर 5 इज स्क्रूटिनी ऑफ एप्लीकेशंस. इस स्टेप में एप्लीकेशंस को स्क्रूटिनाइज किया जाता है, उनकी जांच पड़ताल की जाती है. एप्लीकेशंस आर रिसीव्ड टिल अ स्पेसिफिक डेट एंड देन स्क्रूटिनाइज्ड. एक पर्टिकुलर लास्ट डेट ऑफ सबमिशन दी जाती है एप्लीकेशन की, जब तक की एप्लीकेशंस को सबमिट कराना होता है और उसके बाद से ही स्क्रूटिनाइजेशन स्टार्ट होती है. एप्लीकेशंस विद रॉन्ग और इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन मे बी रिजेक्टेड, और दोज हु डू नॉट फिट द क्राइटेरिया आर रिजेक्टेड. ऐसी एप्लीकेशंस जिसमें रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फिल करी गई है या जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है वो इनकम्प्लीट है, पूरी नहीं है, ऐसी एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दिया जाता है. या ऐसे एप्लीकेंट्स जो कि क्राइटेरिया नहीं फिट करते हैं उनको भी रिजेक्ट कर दिया जाता है स्क्रूटिनाइजेशन के बाद. द नेक्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट इज होल्डिंग एग्जामिनेशंस एंड इंटरव्यूज to determine the merit and ability of the candidate. जो next step आता है recruitment की प्रक्रिया में वो है examinations और interview को hold करना, ताकि एक candidate की merit का और उसकी abilities का पता लगाया जा सके.
Usually interviews are held only after the written examination. तो जो interviews हैं usually वो कब होते हैं? Written examination के बाद. जो written examination clear कर जाते हैं उसके basis पर एक merit तैयार कर दी जाती है और उन्हीं candidates का interview होता है. Step number 7 is certification and selection. Certification को हिंदी में कहते हैं प्रमाणीकरण. This step involves submission of eligible names to the authority which selects the final candidates. इस step में जो candidates eligible हैं उनके नाम authority के पास submit करा दिए जाते हैं जो कि final candidates को select करती है. इसको करने के दो तरीके हैं. In one, the names of candidates are submitted on the basis of merit and appointing authority appoints the required number in the same order. तो पहला तरीका ये है जिसमें कैंडिडेट्स के नाम सबमिट कर दिए जाते हैं मेरिट के बेसिस पर और जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है जिस अथॉरिटी के पास पावर है अपॉइंट करने की वो उन कैंडिडेट्स को रिक्वायर्ड नंबर में सेम ऑर्डर पे अपॉइंट कर देती है. तो अगर 10 पोस्ट्स हैं तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी 10 कैंडिडेट्स को मेरिट के बेसिस पर उन पोस्ट पर अपॉइंट कर देगी. In second method, names of three candidates are submitted against each vacant seats and authority selects any one name. दूसरे method में क्या होता है कि एक vacant seat, एक खाली seat के against तीन नाम भेजे जाते हैं और appointing authority को सिर्फ एक नाम उसमें से select करना होता है. तो इस method में तीन नामों में से एक नाम को select करना होता है, यानी कि तीन candidates में से किसी एक candidate को appointing authority select करती है. So after the candidates are selected, the next step is appointment, where the appointment letter is sent to the candidate and the nature of the job is mentioned. Appointment को हिंदी में कहते हैं नियुक्ति. तो इस step में एक candidate को नियुक्त कर दिया जाता है, उसे appoint किया जाता है, उसके पास appointment letter भेजा जाता है. उस appointment letter में job का nature भी mentioned होता है कि job किस प्रकार की है, टेम्प्रेरी है या परमानेंट है, ये भी उसमें मेंशन होता है. एंड द लास्ट स्टेप विच कंप्लीट्स द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट इज प्लेसमेंट. प्लेसमेंट लास्ट स्टेप होता है भर्ती की प्रक्रिया का, इन विच द जॉब इज असाइन टू द एम्प्लॉय. फाइनली जो जॉब है इस स्टेप में एम्प्लॉय को असाइन कर दी जाती है. एक एम्प्लॉय को उसकी जॉब सौंप दी जाती है, असाइन कर दी जाती है और उसको उसका रैंक और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बता दिए जाते हैं. तो ये थी प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट. अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रिक्रूटमेंट. तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा. थैंक यू सो मच. आपका दिन शुभ हो.